Hi guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Films Astrology on YouTube channel. और आज हम बात करेंगे मर्करी ट्रांजिशन के बारे में कि मर्करी जो ट्रांजिट हो रहा है 26th अक्टूबर को और ये 2 month 5 days के लिए स्कॉर्पियो साइन में आने वाला है और 1st of January 2019 तक मर्करी यहाँ पर स्कॉर्पियो साइन में रहेगा। तो इसका मिथुन राशि वालों के ऊपर, मिथुन लगन वालों के ऊपर यानी जैमिनी राशि और जैमिनी लगन वालों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। मर्करी का जो ट्रांजिशन है वो हो रहा है 6th हाउस में। 6th हाउस में मर्करी जो है वो ट्रांजिट हो रहा है और मर्करी आपके 1st हाउस का और 4th हाउस का लॉर्ड है। तो 1st हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में आएगा तो योग बनेगा लगन भंग योग, और 4th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में आता है तो योग बनेगा सुख भंग योग। इसी तरीके से जुपिटर जो है वो ऑलरेडी 6th हाउस में प्लेस्ड है, बिकॉज जुपिटर जो है वो 11th ऑफ अक्टूबर को यहाँ पर ट्रांजिट हुआ है स्कॉर्पियो में। जुपिटर 7th हाउस का लॉर्ड है और आपके 10th हाउस का लॉर्ड है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर आता है 6th हाउस में तो योग बनता है कलत्रहीन योगा, और 10th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में आता है तो योग बनता है राजभंग योगा। 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है फाइटिंग को, लिटिगेशन को, झगड़े को, कोर्ट केसेस को, आर्ग्यूमेंट को, ब्राइबरी को। दूसरा, जो भी आपका डेली का काम है उसका संबंध भी 6th हाउस से है। 6th हाउस का संबंध आपके सर्वेंट से। 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके मैटरनल अंकल को, और मेडिसिन को, यानी जो भी हमारा जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी 6th हाउस से देखा जाता है। जुपिटर और मर्करी अगर 6th हाउस में है तो 4th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में आएगा तो होमली कंफर्ट का लॉस हो सकता है या घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है। दूसरा, आपकी जो मदर हैं उनको हेल्थ से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। लगन का लॉर्ड अगर 6th हाउस में आ रहा है मर्करी तो सडनली कोई चोट, जलना, स्किन में कोई प्रॉब्लम आ जाना, ये सारी परेशानियां आ सकती हैं। जुपिटर मर्करी के साथ है तो यहाँ जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ जुपिटर इन चीज़ों को एक्सपेंड कर देगा यानी बढ़ा देगा। अचानक से होने वाले इवेंट्स होंगे, गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, चांसेस हैं, बिकॉज 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है गाड़ी को और 6th हाउस यानी एक्सीडेंट। 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है जॉब को, यानी अगर कहीं भी आप जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, वो 6th हाउस से दिखा जाता है। मर्करी अगर 6th हाउस में होगा, जुपिटर अगर 6th हाउस में होगा तो हीलिंग प्रोसेस में आपकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अगर आप कोई डॉक्टर हैं तो लोगों को हील करने के लिए काम कर सकते हैं, लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप कोई न्यूज़ एंकर हैं तो 6th हाउस से संबंधित क्राइम को आप पब्लिक के सामने एक्सपोज भी कर सकते हैं, या 6th हाउस की जितनी भी हिडन चीज़ें हैं, छुपी हुई चीज़ें हैं, जैसे ब्राइबरी हो गया, क्राइम हो गया, कोर्ट केसेस हो गए, जो भी चारों तरफ पॉल्यूशन फैला हुआ है, एक दूसरे से पैसा लेना, घूस लेना, उन सब चीज़ों को मर्करी यहाँ पर अंडरस्टैंड करने के लिए आ रहा है और इन चीज़ों को मर्करी रिवील भी कर सकता है, यानी अपोजिट वर्ल्ड को इन चीज़ों के बारे में बता सकता है। राहु जो है वो जुपिटर और मर्करी को एस्पेक्ट कर रहा है, बिकॉज राहु जो है वो कैंसर साइन में प्लेस्ड है 2nd हाउस में। तो राहु का 5th एस्पेक्ट जुपिटर और मर्करी के ऊपर पड़ रहा है, तो मर्करी और जुपिटर यहां जो भी काम करेंगे उन चीजों को राहु एम्पलीफाई कर देगा, यानी आपके झगड़े को, आपकी फाइटिंग को, कहीं से अगर आप घूस ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, उन चीज़ों को राहु यहाँ पर एम्पलीफाई कर सकता है, यानी उन चीज़ों के बारे में दूसरे लोगों को भी पता चल सकता है। और अगर आप कोई डॉक्टर हैं,
कोई इलाज करते हैं, किसी को ठीक करते हैं, तो वो चीज़ भी काफ़ी फेमस हो सकती है कि आपने किसी को ठीक कर दिया है। स्कॉर्पियो साइन में जुपिटर और मरकरी का योग है, तो सीक्रेट चीज़ों को आप यूज़ करेंगे, सीक्रेट तंत्रा, सीक्रेट मंत्रा, सीक्रेट जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं, पैरानॉर्मल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन चीज़ों को आप यूज़ करेंगे लोगों को हील करने के लिए, लोगों को ठीक करने के लिए, और अपने एनिमीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और अपने डिजीज़ को ठीक करने के लिए। इस टाइम आप ये सोचेंगे कि जो भी पूजा पाठ है वो मेरे किसी काम नहीं आता, मैं तंत्र का सहारा लूँ, मंत्र का सहारा लूँ, टोने टोटके का सहारा लूँ, और इन चीज़ों के थ्रू आप अपने एनिमीज़ को, अपने कर्जे को, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट वो चीज़ सॉल्व होती है, सॉल्व नहीं होती है, वो देखा जाता है मंगल की पोजीशन से, कि जो आप काम करना चाह रहे हैं वो काम आपका होगा कि आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर मंगल जो है वो प्लेस्ड है 8th हाउस में, हालांकि मंगल यहाँ पर अपने एक्जल्टेशन में है, मांगलिक योगा बना के मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन मंगल यहाँ पर केतु के साथ है। तो 6th हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ होगा तो सडनली आपकी जॉब को छुड़वा सकता है, आपकी कोई भी बीमारी है वो बढ़ सकती है, बीमारी का जो इलाज है वो बड़ी मुश्किल से होगा, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं 6th हाउस से संबंधित उन चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। जुपिटर मरकरी का एस्पेक्ट जो है वो पड़ रहा है 12th हाउस में। इस टाइम आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, मेंटल फ्रस्ट्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी रहेगी, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स होंगे, झगड़े होंगे, वाद विवाद बहुत ज़्यादा होगा। जुपिटर आपके 7th हाउस का भी लॉर्ड है, 7th हाउस का संबंध है मैरिज से, एलियांस से, पार्टनरशिप से, डीलिंग से, तो पार्टनरशिप को, मैरिज को, एलियांस को जुपिटर यहाँ पर बिगाड़ सकता है, बिकॉज जुपिटर अपने हाउस से 12th अवे गया है, यानी आपका डाइवोर्स हो सकता है या आपका जो बिजनेस है उसमें सेपरेशन आ सकता है। लोगों के साथ जो भी आपकी डीलिंग चल रही थी, जो भी आपने अपना एक शेड्यूल बनाया था लोगों के साथ कि हम लोग ऐसे काम करेंगे, ऐसा हमारा काम होगा, इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे, तो वो जो आप लोगों की जो म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, उसमें लॉस आ सकता है। तो कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको 10 बार सोचने की जरूरत है कि अभी ये जो टाइम है ये आपके लिए ठीक नहीं है, पार्टनरशिप के लिए टाइम बिल्कुल ठीक नहीं है, मैरिज के लिए टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और लोगों से अगर आप कोई भी मान लीजिए कमिटमेंट करते हैं तो उसके लिए भी टाइम बिल्कुल ठीक नहीं है जब तक जुपिटर यहाँ पर प्लेस्ड है। हालांकि 6th हाउस जो है वो मरकरी का अच्छा हाउस माना जाता है, बिकॉज 6th हाउस का जो संबंध है वो है वर्गो से, और वर्गो मरकरी का अपना ओन घर है, लेकिन मरकरी जिस साइन में बैठा है उसका संबंध है ट्रांसफॉर्मेशन से, यानी चेंजेस से, बदलाव से। तो बिजनेस का कोई भी अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो बिल्कुल ना लें। अगर आप अपनी शॉप को चेंज करना चाहते हैं, अपने घर को चेंज करना चाहते हैं, कहीं और जाके सेटल होना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस काम को ना करें। कोई भी अगर नया प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन चीज़ों को अभी आप डिले कर दें, बिकॉज अभी आपको यहाँ पर फ़ायदा बहुत मुश्किल से होगा, लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये मैंने आपको बताया मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों को मरकरी का ट्रांजिशन कैसा रहेगा, उनको क्या फ़ायदा होगा, क्या लॉस होगा। और एक खास बात और बताना चाहता हूँ, लोग पूछते हैं कि जो भी ये ट्रांजिशन है ये हम कैसे देखें, लगन से देखें कि मून चार्ट से देखें। देखिए लगन का मतलब क्या है, लगन का मतलब है कि लगन में जो चीज़ घट रहा है वो सारे संसार को दिखाई देगा, यानी आपको भी उसका पता चलेगा और बाहर वाले लोगों को भी उसका पता चलेगा। लेकिन मून चार्ट में जो घट रहा है वो सिर्फ आप ही फील कर सकते हैं, उसका पता सिर्फ आपको ही चलेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो गाइज आज मैंने आपको बताया
कि मिथुन राशि वालों के लिए मरकरी का ट्रांजिशन कैसा रहेगा, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी राशि को तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।